हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 28 सितंबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं वर्कशीट डिस्कस करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस वर्कशीट को। लेसन का नाम है सुनामी पार्ट वन कंटिन्यू। तो ये पार्ट वन का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस, राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। तो इस वर्कशीट में हम सुनामी के बारे में पढ़े। सुनामी क्या होता है? जब कोई पानी है बहुत तेज़ रफ्तार से आता है तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। तो हमें पढ़ना है कि इसमें कहाँ कहाँ, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए, कहाँ कहाँ सुनामी स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट है हमारे पास हिली एरिया सच एज शिमला। तो शिमला में सुनामी आ सकती है? नहीं आ सकती। सुनामी उन्हीं एरिया में आ सकती है जहाँ पे आसपास समुद्र हो। तो यहाँ पे आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। दिल्ली के आसपास कोई समुद्र है? नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट है सी कोस्ट सच एज दिल्ली सच एज बम्बई। तो बम्बई के आसपास हमें पता है समुंदर है, तो यहाँ पे आ सकती है सुनामी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट है डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। जोधपुर क्या है? सूखा एरिया है, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती, तो वहाँ पे बाढ़ तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है हनी ड्यू बुक की, जिसमें एक गर्ल के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं स्टोरी को। फर्स्ट, अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। जो अलमास जावेद लड़की है वो 10 साल की है। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो वो पोर्ट ब्लेयर में कारमेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पम्प है। हर मदर राहिला होम वाज इन नान कावेरी आइलैंड। उसकी जो मदर है राहिला, उसका उनका घर नान कावेरी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो पूरी फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर गई थी। व्हेन द ट्रेमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब जो ट्रेमर क्या होता है, जब पानी व्हेन द ट्रेमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह भूकंप या जैसे कंपन के जो झटके महसूस हुए, तो क्या था, द फैमिली वाज स्लीपिंग। उस टाइम पूरी फैमिली सो रही थी। इसमें क्या कह रहे कि जो जब सुबह सुबह कंपन के झटके महसूस हुए जब, तो पूरी फैमिली क्या थी, सो रही थी। अलमास फादर सादा सी वाटर सीड। अलमास अलमा के फादर ने पानी को पीछे जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड डैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वह समझ गए थे कि पानी दोबारा से वापसी आएगा विद ग्रेटर फोर्स, बहुत इससे भी ज़्यादा तेज़ी से। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। तो उन्होंने सबको जगाया और उनको सभी को एक सेफ जगह पर जाने के लिए भगाया, मतलब भागने के लिए उनको कहा। एज दे रेन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन। जब वे दौड़ रहे थे तब उसके दादाजी को कुछ सिर पर लग गया और वो नीचे गिर गए। ठीक है। हर फादर रस्ट टू हेल्पिंग। जो अलमास के फादर थे वो उसको उनको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी जो है पानी का बहुत बड़ा तूफान, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा सुनामी आई और उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई। अलमास फादर अलमास मदर एंड आंट अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमा की मदर और आंटी वो एक कोकोनट के पेड़ के पत्तों से चिपक कर या उनको पकड़ कर खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट ऑफ हर, और वो चिल्ला रही थी अपने आप को बचाने के लिए। ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक वेव आई, जो तूफान था, समुद्र की लहरें आई, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, ट्री को ही उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड वे, और वो भी उनके साथ पानी के साथ बहकर चली गई।
अल्मा सादा लोगो वुड फ्लोटिंग। अल्मा ने एक लकड़ी का जो गठा होता है ना उसको बहते हुए देखा। शी क्लाइम ऑन इट, वह उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वह तब वह बेहोश हो गई। वैन शी वॉक अप, जब वह जगी। शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरटा, तब वह जगी तो वह कमोरटा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, उसको वहाँ से पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, जो लिटल गर्ल थी वो इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। शी स्टिल टर्मलाइज्ड, वो अभी भी सदमे में थी। टर्मलाइज मतलब सदमे में, वह अभी भी सदमे में थी। उसने इतना बड़ा इंसिडेंट देखा, उसमें उसकी सारी फैमिली मर चुकी थी, तो वह उस सारे सदमों को याद करके अभी भी सदमे में थी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास, नाउ सिक्वेंस द इवेंट एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स। तो हमें तीन पिक्चर दी गई, इनको हमें सीरियल में लगाना है कि जिस हिसाब से हमारी ऊपर की इवेंट हुई थी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले क्या पानी पीछे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे क्या पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या फर्स्ट। फिर इसमें क्या था, पानी पीछे जाने के बाद फिर पानी वापसी आता है बहुत तेज़ी स्पीड से, जिसमें कि कार जो मनुष्य थे वो सभी क्या बह जाते हैं उसमें। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड है हमारे पास, जिसमें अल्मा जो थी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ये हमारी इवेंट्स होगी जो सीक्वेंस में हमने लिखी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर, MCQ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हुए। फर्स्ट है, व्हाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली, अल्मा के पिताजी ने पूरी फैमिली को क्यों जगाया। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, या फिर टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या फिर एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए। तो इसका आंसर का टू ए सेफर प्लेस। सेकेंड है हमारे पास, अल्मास डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन एल्स, अल्मा जो है किसी से ही बात नहीं करना चाहती थी इंसिडेंट के बारे में। क्यों, शी वॉज अनवेल, या फिर शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, वह क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था, इसलिए वो शॉक में थी। थर्ड है हमारे पास, अल्मास मदर एंड आंट कुड नॉट सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अल्मा की मदर और आंट अपने आप को सुनामी से नहीं बचा पाई, क्योंकि द ट्री दे हैल ऑन टू गोट अप्रोटेड, क्योंकि जो ट्री था उन्होंने पकड़ा हुआ था वो जड़ से ही ख़त्म हो गया था। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास, गिवन बिलो आर द वर्ड्स एंड पैराज फ्रॉम द पैसेज डैट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका जो मूवमेंट है अलग अलग टाइप का है। तो रस्ड, स्वेप्ड अवे, फ्लोटिंग, रिसीड। तो हमें इन चारों को इस टेबल में हमें फिल करना है। इन पुट देम इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी एंड कॉलम, हमको इन चारों को इन तीन कैटेगरी में फिल करना है। या तो ये फास्ट मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, या फिर नाइदर स्लो नॉट फास्ट। तो रस्ड क्या है हमारा, एकदम तेज़ी से भागना, तो इसको हम कहते हैं रस्ड। तो रस्ड क्या है, फास्ट में आएगा, क्योंकि रस्ड क्या हमेशा तेज़ी से भागा जाता है। स्लो मूवमेंट, फ्लोट करना, जैसे फ्लोटिंग क्या होता है, हम फ्लोट तो धीरे धीरे होगा ना, तो इसके कहेंगे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग। तो जो बच गए हमारे वो किसमें, नाइदर स्लो नॉर फास्ट, फिर स्वेप्ड अवे और रिसीड, रिसीड मतलब पीछे होना। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, नाइदर स्लो नॉर फास्ट, स्वेप्ड अवे एंड रिसीड, यह आप इसमें लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट मैंने डिस्कस की है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो अभी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपनी वर्कशीट को पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।